गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग हो गई हमारी। गुड गुड मॉर्निंग। क्यों सिंह, क्या दवाई डालनी है आँख में? ये वाली डाली देना अभी। क्यों एक बार डाल दे, बजा नंबर वन जाएगा, नंबर वन। चार बार डालनी होती है दिन में, एक बार हो गई है, और एक दवाई और है वो खाली रात में डालनी होती है। ये हो गया बिकॉज ऑफ। अब यही सब चलेगा सीनियर सिटीजन में? चलिए ये देखिए, डाल दिया उन्होंने दाना, डाल दिया हैं, देखो चिड़ियों को दाना डाल दिया, डाल दिया। वेरी गुड। इतनी गर्मी में चार पौधे हैं साले, वो भी नहीं टिक रहे, बताओ। इतनी गर्मी पड़ रही है। सवेरे के बज रहे हैं 8:30, 8:40, और मेरा कल वाला ब्लॉग एडिटिंग हो रहा है, और बेगम साहब का आदेश हुआ कि आप जल्दी से आइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बैठे हैं, और हम बेगम साहब को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने हमको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करा दिया। बेबी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आप अपना मुस्कान छेड़िए ताकि हम लोग खा सकें। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ ये भाग गए, देखिए तुरंत एकदम से उठ के। इनको लगा पता नहीं क्या मैंने इनको पकड़ लेना है, या मैंने इनसे क्या कुछ करवा लेना है, या इनके मैंने कौन से उधार इनसे ले लेने हैं। तो वो जब देखी उधर से बोल जाए, चुप 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 हो रहा है इनका। क्यों अब देखेंगे नहीं? मैं लगा था अपना एडिटिंग में, इधर में हो रही है डस्टिंग वस्टिंग, और आज हमारी मेड एक जो है बर्तन वाली, उसने आना नहीं है, तो हमारी बेबी सिंह लगी हुई है बेचारी बर्तन साफ़ करने में। हमने बोला कि मैं हेल्प कर दूं, तो उसने बोला कि नहीं आप हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हेल्प करोगे तो साले दो चार बर्तन और तोड़ दोगे और मुसीबत मेरे घर डालोगे, साला गंदगी और कर दोगे। फिर से अच्छा है कि आप दूर रहो और कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाओ। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये कितने प्यार से कब बर्तन धो रही है, और इन्होंने हमको एकदम फट किराया दी हुई, अगर साले को मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे को निकालूंगा यहाँ से। इसलिए देखिए लड़ाई पूरी हो रही कायदे से, लेकिन उसी हिसाब से लड़ाई उसी हाथ में है कि जरा भी मैंने इधर किया लड़ाई खाली मेरे बोल जाएगी, इसलिए मैं दूर भाग रहा हूँ। शाम के पड़ रहे हैं 5, और मौसम हो गया है बहुत अच्छा। देखिए आप कितना अच्छा मौसम हो गया, पानी बरस गया, और पानी के बरसते ही मौसम बड़ा सेक्स मस्त हो गया, मज़ेदार। लेकिन एक बात है कि हुमस बहुत हो गया, क्लाउडी तो है, देखो कितना क्लाउडी है ऊपर, हुमस बहुत हो गया। ह्यूमिडिटी के होने से जो है थोड़ी अगर हवा चलनी बंद हो गई तो पसीने पसीने आ जाए, सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्जॉय, लेकिन ह्यूमिडिटी से थोड़ा बचना पड़ेगा। ओके ओके, तो जैसी चर्चा हो रही थी हमारी 5 बज गए हैं, हम लोगों की चाय बन के आ गई, पुनीत ने बना दी चाय फर्स्ट क्लास, और ये देखिए मैडम जी हमारी चाय पी रही हैं, वेरी गुड, पसीने के लथपथ, और चाय पी रही हैं। और उधर हमारे जो है डिनर की तैयारी भी कर रही है बन्नी, वेरी नाइस। और बाहर मौसम देखो आप क्या मस्त हो गया, बिल्कुल चकाचक। आप बिस्कुट भिगो भिगो के खा रहे हो, आप ऐसे ही भिगो भिगो के खा रहे हो जैसे हमको भिगो भिगो मारते हो। चलिए हम भी खा लेते हैं फिर चाय बिस्कुट। मेरा मन था आज समोसे लेके आते, समोसे वगैरह कुछ, मौसम पानी बरस गया मज़ा आता, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर सही। पानी बरस गया है लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि पसीने पसीने हो रहे हैं, शर्ट तो बहुत दूर की बात है बनियान पहन के उतारने का मन करता है। और अभी हमारा जो ये है टीवी हमारा कभी कभी रंग बदल देता है, दिखाता हूँ आप, टीवी कभी कभी हमारा जो है वो लाल रंग दिखाने लगता है यहाँ पे। इसके लिए कंप्लेंट करिए तो वो कह रहा है हम कल भेजेंगे, कनेक्टिविटी देखिए, स्पीड देखिए, वो सब हमने कर लिया, कुछ हुआ नहीं। अब बैठ के देखते हैं कल क्या करते हैं, रोगाते हैं क्या करते हैं। तो टाइम हो गया हमारा खाना खाने का, अब इसको क्या हो गया? ओके लो जी, तो आपका टाइम है खाना खाने का है। सो अब हम खा रहे हैं दाल एंड भिंडी। अरे ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया फिर तो, भिंडी तो आई लव भिंडी यार, बेबी सिंह आई लव भिंडी, भिंडी इज आर नाइस। 9:15 टाइम हो गया हमारा, लंच डिनर हो चुका है, और अब लगानी है दवाई, दवाई लगानी है इस पर लगानी है, क्योंकि ये है हमारी, देखो कितना फ़र्क पड़ गया है इसमें, अब तो ये जो है काफ़ी ठीक हो गया। इस पर लगाने के लिए इन्होंने साथ में हमको दिया, पहले इसको रगड़ना है सैंड पेपर से, सैंड पेपर इन्होंने साथ में दिया है, ये सैंड पेपर है, इसमें एक तीली निकाल लो, अब वो जो है बन जाती है सैंड पेपर इसका। तो देखो आप कैसे दिखाता हूँ आपको मैं, ये है सैंड पेपर बनने वाला, ये टूट जाता है ये बन जाता सैंड पेपर,
इसको फिर इस पे रख के और इसको रगड़ो। रगड़ने के बाद इन्होंने हमको साथ में दिया है इथेनॉल अल्कोहल का पेपर, एक इसमें दिया हुआ है। अब ये कर दिया हमने इसके ऊपर सैंड पेपर, है ना। अब इस पे लगाते हैं ये वाला पेपर। लो जी, हमने इसको सैंड पेपर से, अल्कोहल पेपर से साफ कर दिया। अब लगा ली मैंने इस पे दवाई। टाइम हो गया 9:30 और यही करते करते आज दिन निकल गया। पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि एक तो गर्मी बहुत, फिर पानी बरस गया, हिम्मत बहुत। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आजकल जो है वो ट्रैफिक लाइट पर लोग कम रुकते हैं बनस्बत इसके कि बिल्ली देख कर ज़्यादा रुक जाते हैं। ऐसे ही पड़ोस में लड़ाई हो रही थी मियाँ बीवी की, तो दूसरे घर में जो है पत्नी बोलती अपने पति को कि भाई जाओ जरा सा बात करके आओ, वहाँ देखो क्या झगड़ा हो गया है मियाँ बीवी का, कुछ सुलटा के आओ, कुछ बता के आओ, अच्छा लगता नहीं है तो तुम चले जाओ, मेरा जाना अच्छा नहीं लगता। तो उसके आदमी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम उनका अपना मामला है, हम क्यों पड़े बीच में। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि नहीं नहीं आप चले जाओ, ऐसा है आप पड़ोस का मामला है, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चले जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बहुत मना किया। तो उसने बोला कि तुम क्यों नहीं जा रहे। पति बोला मैं एक दो दिन पहले गया था, इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है, उनके इसी से आप चले लेते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।